What you know about rolling down in the deep? Rolling in the deep. Down. और लोगों कैसे, वेलकम बैक टू अगेन विद अ ब्रांड न्यू वीडियो फ्रॉम बुरा भाई। सो गाइस, आज की ये वाली वीडियो एक ट्यूटोरियल वीडियो है, आप लोगों को पता ही है। सो प्रीव्यू आप लोगों ने देख लिया है। सो इस वाली वीडियो में स्काई को चेंज करने वाले हैं एंड थोड़ा सा स्लो मोशन, बाकी एप्लीकेशन आप लोगों के पास हो गई VSCO। सो स्टार्ट करते हैं ये वाला अमेजिंग सा वीडियो। सो गाइस, सबसे पहले सीखते हैं स्लो मोशन कैसे करना है, जो भी आपकी वीडियो क्लिप ऐड कर लेनी है लाइट मोशन में न्यू प्रोजेक्ट के स्टार्ट करके। जहाँ से आपको स्लो मोशन स्टार्ट करना है वहाँ पे ट्रिम कर लेना है इस तरह से, जो लेफ्ट वाली क्लिप है उसे डिलीट कर देना है एंड जो राइट में क्लिप हमारे पास आ गई है उस वाली क्लिप को लेफ्ट में लेकर आ जाना है इस तरह से, ठीक है। अरेंज कर लेना अपने हिसाब से, हाँ एकदम ठीक लग रही है। नाउ अब इस वाली क्लिप को एक्सपोर्ट कर लो, ठीक है, जो भी आपकी क्वालिटी आप रखना चाहते हो वो रख लेना, ठीक है गाइस। सो देख सकते हो इस क्वालिटी में ये एक्सपोर्ट कर रहा हूँ मैं एंड यहाँ देख सकते हो 60 FPS, ठीक है गाइस। सो यही अलाइट मोशन डाउनलोड कर लेना, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके डाउनलोड कर लेना, ठीक है गाइस। एंड मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, मेरा यूज़र नेम है IAMBHURAYT, ठीक है गाइस। सो ये एक्सपोर्ट हो ही गई है लगभग, ठीक है। नाउ क्या करना है, VSCO एप्लीकेशन ओपन करना है, जो आपकी वीडियो है वो ऐड कर लेनी है, ठीक है गाइस। ऐड करने के बाद इस पर एडिट पर क्लिक करना है, इसे इस पर वीडियो को क्लिक करके एडिट पर क्लिक करना, ठीक है गाइस। थोड़ी पर्सनल रीजन की वजह से मैंने उसे थोड़ा ब्लर कर दिया था, सॉरी गाइस, ठीक है गाइस। नाउ एडिट पे क्लिक करना है, टूल्स पर जाना है, वॉल्यूम को फुल कर देना है कम इसकी, ठीक है गाइस। नाउ स्पीड पर जाना है आप लोगों ने। नाउ स्टार्टिंग में आपने पूरा स्लो नहीं करना है गाइस, ठीक है गाइस, खाली स्मूथ पर रखना है अपने, इस वाली सेटिंग्स पर रखना है जहाँ पर मैंने ये पुट कर दिया है, ठीक है गाइस। सो देख सकते हो कितना ठीक लग रहा है, 3 सेकेंड की वीडियो हो रही है, यहाँ पर एकदम पूरा स्लो कर देंगे तो कुछ इस तरह की हो जाएगी, बट आप लोगों ने यहाँ पर रखना है जहाँ पर मैं यहाँ पे उसे पुट कर रहा हूँ, ठीक है गाइस। सो 6 पर ये कुछ इस तरह से लगेगा, 4 पे कुछ इस तरह से। सो 4 पे रख के आप लोग इसे एक्सपोर्ट कर लेना एक बार। नाउ मैं सेव कर लेता हूँ इसको, ठीक है। जब तक ये सेव हो रही है लाइक कर देना वीडियो को एंड शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में, ठीक है गाइस। इम्पोर्ट हो एडिट हो गई, एक्सपोर्ट भी हो गई। नाउ दोबारा से उसी क्लिप को ऐड करना है, मतलब इम्पोर्ट करना है VSCO में। नाउ देख सकते हो 8 सेकंड की वीडियो है, नाउ इस पर दोबारा से क्लिक करना है, ठीक है गाइस, वो रही। एंड एडिट्स पे क्लिक करना है, जो एडिट्स का सिंबल आ रहा है। नाउ अगेन से टूल्स पे जाना है, आवाज़ तो इसकी कम है ही। नाउ इस बार इसको आपने स्पीड फुल स्लो कम कर देनी है एकदम, एंड जो नाउ गाइस रिजल्ट आएगा ना स्लो मोशन का गाइस, आप लोग देख के हैरान हो जाओगे गाइस, इतना भयंकर स्लो मोशन। अगर आपका डिवाइस 60 FPS सपोर्टेड है तो बहुत ही अच्छा स्लो मोशन आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। सो अब एक्सपोर्ट हो जाने के बाद में वापस अलाइट मोशन पर जाना है, वहीं उसी प्रोजेक्ट को एक्सिट कर नहीं करना था, क्लोज पे क्लिक करना है एंड अंडू के बटन पे क्लिक करना है, अंडू के बटन पे क्लिक करना है, ठीक है गाइस। एंड ये जो राइट वाली क्लिप है इसे डिलीट कर देना एंड जो भी हमने स्लो मोशन क्लिप करी है उस क्लिप को यहाँ पर ऐड कर लो, ठीक है गाइस। सो मैं ऐड कर लेता हूँ उस वाली क्लिप को, 1 सेकेंड गाइस, ये रही गाइस, हाँ वीडियो ऐड हो गई। नाउ देख सकते हो गाइस कितना प्यारा स्लो मोशन यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, सो कूल। नाउ बात कर लेते हैं कलर ग्रेडिंग, स्काई रिप्लेसमेंट कैसे करना है आप लोगों ने, जो भी आप लोगों की वीडियो क्लिप है वो ऐड कर लेनी है, ठीक है गाइस। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपनी वीडियो क्लिप ऐड कर लेता हूँ जो मैंने एडिट कर ली है VSCO से, स्लो मोशन का जो कर ली है मतलब, ठीक है गाइस। सो ये रही वीडियो, ठीक है गाइस। सो वीडियो कुछ इस तरह की है, देख सकते हो गाइस आप लोग। नाउ गाइस अब आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले इसकी वॉल्यूम मैं यहाँ कम कर देता हूँ, ठीक है। नाउ इसकी एक डुप्लीकेट लेयर कर लो, ठीक है। अब दो इसकी लेयर हो गई हमारे पास, नीचे वाली लेयर को फिलहाल के लिए हम हाइड कर देते हैं। सबसे पहले हम पहली वाली लेयर पर वर्क करते हैं। इफेक्ट पर आप लोगों ने जाना है, ऐड इफेक्ट पर जाना है आप लोगों ने। एंड जो गाइस यहाँ पे सबसे पहले हमें इफेक्ट ऐड करना है वो क्रोमा की है, ठीक है गाइस। तो क्रोमा की आप लोगों ने ढूंढ लेना है। सो मैं इसी तरह से आपको पूरा दिखा रहा हूँ एकदम कि कहाँ पर आप लोगों को क्रोमा की मिलेगा, ऐसा नहीं कि मैं डायरेक्ट एक बार में क्लिक कर देता स्किप कर देता, नहीं। क्रोमा की पर आप लोगों ने क्लिक करना है एंड ये जो ब्लू स्क्रीन वाला है, ब्लू स्क्रीन वाले को हमें चूज़ यहाँ पे कर लेना है, ठीक है गाइस। नाउ स्क्रीन मतलब स्काई देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा सा रिप्लेस हो चुका है, लेकिन हमारे कैरेक्टर का भी ब्लू स्क्रीन है, लेकिन उसके लिए भी मेरे पास जुगाड़ है, टेंशन लेने के लिए कोई बात नहीं है गाइस, ठीक है। सॉरी गाइस, थ्री सोल्ड आप लोगों ने बढ़ा देना है, ठीक है गाइस। एंड इसके देख सकते हो गाइस, अगर फैदर आप लोगों को थोड़ा सा इंक्रीज़ करना है तो कर सकते हो,
एंड ऐसी कोई बात नहीं है। तो देख सकते हो कुछ इस तरह की क्लिप हमारे सामने आ गई है। सो अब क्या करना है, हमें अपने कैरेक्टर को वापस लेकर आना है। तो ऊपर वाली लेयर को हाइड कर देना जिसमें हम वर्क कर रहे थे, एंड नीचे वाली को इनेबल कर दो। ठीक है गाइस, नाउ अब एक सर्कल ले लेना है यहाँ पे इस तरह से, एंड कैरेक्टर के ऊपर पुट कर देना है। ठीक है गाइस, एंड इसे स्क्यू कर लेना है थोड़ा सा इस तरह से जैसे मैं कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो प्लेयर है, कैरेक्टर है, वो लेफ्ट साइड की तरफ रन कर रहा है। तो मैं इस तरह से इस सर्कल को यहाँ पे पुट कर देता हूँ, एंड स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इसे एक्सटेंड कर देना है। ठीक है गाइस, नाउ इसे मास्क कर देना है ब्लेंडिंग में जाके। नाउ देख सकते हो गाइस कुछ इस तरह का यहाँ पर हमें इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है गाइस, मतलब ठीक ही लग रहा है। नाउ अब ये सबसे ग्रुप, इसको हमें एक ग्रुप क्रिएट कर लेना है, सबसे ऊपर वाली लेयर एंड नीचे वाली, ताकि एक ये ग्रुप बन जाए। ठीक है, एंड उस वाली लेयर को इनेबल कर दो। नाउ ये कुछ इस तरह का अब हमें देखने के लिए मिल जाएगा। नाउ गाइस, अब आप लोगों ने क्या करना है यहाँ पे, अब थोड़ा सा फैदर ऐड करें या नहीं करें या बाद में करें, सो वो मैं आपको बता दूंगा कैसे करना है क्या करना है। फिलहाल इस वाली लेयर को हमें ऊपर लेकर आ जाना है। ठीक है गाइस, सो सबसे पहले गाइस हम लोग क्या करते हैं, जो नीचे वाली लेयर है हमारी, मैं उस पर अपने जो कलर ग्रेडिंग है वो पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है गाइस, प्रीसेट लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाके कॉपी कर लेना आप लोग भी। ठीक है, दोनों क्लिप में मैं पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, दोनों में मैंने पेस्ट कर दिया है। एंड जो ग्रुप ए वाली है, ठीक है, जो मास्क वाली हमारे पास लेयर है जिसमें हमारा कैरेक्टर दिख रहा है सिर्फ, उस पर हमें फैदर ऐड करना है अगेन। ठीक है गाइस, ठीक है, उस पर भी हमें वो कलर ग्रेड करना है, उसके बाद फैदर ऐड करना है। फैदर की स्ट्रेंथ को यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है गाइस, बढ़ा देना है आप लोगों ने। एंड जो उसकी ये है, इसको मतलब नाम मेरे को समझ में नहीं आया गाइस, ठीक है, इतनी इंग्लिश अपनी हाई फाई नहीं है। ठीक है, तो गाइस कुछ इस तरह का इफेक्ट आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा फिलहाल के लिए। अब जो हमारी बैकग्राउंड वीडियो है उसे यहाँ पर ऐड करना बनता है। ठीक है गाइस, तो वीडियो ऐड कर लेना, वीडियो के लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, जाके डाउनलोड कर लेना। ठीक है, डाउनलोड कर लो गाइस, मिल जाएगी इजीली। नाउ उसे सबसे नीचे लेकर आ जाना है वीडियो को। ठीक है गाइस, नाउ इस तरह की आपकी वीडियो हो चुकी है रेडी। नाउ बस इसमें एक चीज़ रह गई है, वो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। ठीक है, मतलब लगभग ठीक ही लग रही है गाइस वीडियो। नाउ ये वाली जो हमारी क्लिप है, इसका फैदर को मैं यहाँ थोड़ा सा और कम कर देता हूँ, मतलब इंक्रीज़ कर देता हूँ। ठीक है, नाउ गाइस एकदम प्रॉपर वीडियो रेडी हो चुकी है हमारी। देख सकते हो कितना बढ़िया स्काई रिप्लेसमेंट यहाँ पे हो चुका है। ठीक है गाइस, नाउ ब्लैक बार्स ऐड कर लेते हैं अपन लोग। ब्लैक बार्स में इतना कुछ है नहीं, ठीक है गाइस, वो तो आप लोग खुद भी कर सकते हो। ठीक है गाइस, जैसे कि ये यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया, नाउ मैं इसे स्क्रीन पर फुल कर दूंगा। एंड इसका कलर जो है, अरे भाई, ब्लैक कर देता हूँ, एंड इसे ऊपर की तरफ कर देता हूँ मूवमेंट ट्रांसफॉर्म में जाके। वाह वाह वाह, अरे वाह 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 वाह, थोड़ा सा इसका साइज़ इंक्रीज़ कर लेता हूँ यार, मैंने ये राउंडेड आ रहा है। ठीक है, सो इंक्रीज़ कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, अब ठीक लग रहा है, तो ठीक है। एक सेकंड, थोड़ा सा यहाँ पे मैं कर देता हूँ अपने हिसाब से। आप लोग अपने हिसाब से कर लेना, जैसे आप लोगों को ब्लैक बार्स लगाने आते हो वैसे आप लोग ऐड कर लेना ब्लैक बार्स को। ठीक है, मैं ऊपर भी ऐड कर लेता हूँ एंड नीचे भी ऐड कर देता हूँ ब्लैक बार्स को। सो जहाँ तक आपकी वीडियो है बस वहीं तक रखना है आप लोगों ने। ठीक है गाइस, सो मेरी यहाँ तक वीडियो, बाकी का जो पोर्शन है मैं यहाँ पे डिलीट कर रहा हूँ राइट साइड का। ठीक है, जो ब्लैक बार्स है उसकी एक डुप्लीकेट ले करूँगा एंड उसे मूवमेंट ट्रांसफॉर्म पर जाऊँगा, मूवमेंट ट्रांसफॉर्म पर जाके उसे नीचे ले आऊँगा। ठीक है, इस वाली लेयर को मैं नीचे लेकर आ जाऊँगा, तो यहाँ पर हमारे ब्लैक बार्स भी रेडी हो जाएंगे। तो गाइस, वीडियो हमारी रेडी हो चुकी है, जाके एक्सपोर्ट करो, मज़े करो वीडियो के, लाइक मारो वीडियो, जाके दबा के शेयर करो, तुम्हारा भाई एक्टिव डेली वीडियोस डालेगा, यही कोशिश रहेगी। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, जाके लाइक कर देना वरना बहुत पिटाई पड़ेगी। ठीक है गाइस, सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम भाई ने।